ये गाना नहीं डालना था। गुल्लक लेके आते पहले, मिरर भी लग गए अब। स्क्रीन पे नजर जाती है, उसमें ऊपर होती थी ना स्क्रीन, तो आई कांटेक्ट बना रहता था। अब इसमें यहाँ होती है, ऐसा लगता है मतलब तिरछी नजर का है जादू। सो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूँ निशांत और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग पिए चाय। चलो सुबह सुबह दुकान खोल लीजिए। YouTube पर डाला था नेक्स्ट ईयर मैं करूंगा कन्याकुमारी राइड, लेकिन उससे पहले लूंगा ड्रोन। तो ड्रोन के लिए आज हम गुल्लक खरीदने जाएंगे और काफी सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। भाई लोगों, आप लोगों का सपोर्ट है तो भी हमारा काम चल रहा है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के। तो ये देखिए, ये है मेरा फेसबुक पेज और ये जो है मैंने अभी ये पुराना वीडियो डाला था, क्योंकि फेसबुक के लोगों के पास सबने ये वाले वीडियोस देखे नहीं है, तो मैं अभी पुराने वीडियोस वहाँ पे डाल रहा हूँ और लेटेस्ट भी डालता हूँ साथ के साथ और पुराने भी डालता हूँ। तो वहाँ पे डबल धमाका चल रहा है इस समय और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। देखो इस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं, इस पर भी तो बहुत ही ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, तो मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है फेसबुक पर। फेसबुक वाले भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। बाजार जाएंगे, सामान वामान लेके आएंगे, अपनी गुल्लक लेके आएंगे जिसमें हम अपना पैसा इकट्ठा करेंगे ड्रोन खरीदने का, और देखते हैं कितने महीने लगते हैं ड्रोन आने में। उम्मीद है 2022 में स्टार्टिंग में 2 या 3 महीने बाद मार्च अप्रैल तक तो ड्रोन आ जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं। और जो मिडिल क्लास बंदा होता है उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं कुछ खरीदने के, या तो वो EMI पे खरीद ले या फिर वो पैसे इकट्ठा करके खरीद ले। तो हम पैसे इकट्ठा करके खरीदने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं EMI से। तो इधर मेरी एक्सपल्स खड़ी है और ये रही हमारी एवेंजर, जो कि सर्विस हो चुकी है। गुल्लक लेके आते पहले, मिरर भी लग गए अब। यहाँ बैठता है गुल्लक वाला, ये रहा आंटी जी बैठी हैं। आंटी गुल्लक है, गुल्लक। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इतनी बड़ी ठीक है, हो जाएंगे इसमें 50,000 रुपये कट्टे? 50,000 तो नहीं हो पाएंगे इसमें। कितने की है वाली, कितने की है आंटी? 30 की। और एक बड़ी वाली 90 रुपये की, ये लेते हैं भाई 90 रुपये की, ये लेते हैं। ठीक है, डिज़ाइन भी अच्छा है, ले ली। अब ड्रोन के लिए सेविंग शुरू। पैसा वैसा आता रहेगा ना तो मैं ज़्यादा ज़्यादा डाल देता हूँ, पैसा नहीं आता है तो दिक्कत है, लेकिन कर लेंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार मैंने महंगा ले लिया, लेकिन यार मैं बार्गेनिंग नहीं करता ऐसे, मे भी 50 रुपये में भी मिल जाती है, ठीक है, लेकिन कोई नहीं, चलते अब घर। तो गुल्लक अपनी आ चुकी है, इसमें अब शगुन के पैसे डाल देते हैं, शुरुआत कर देते हैं इसमें भरने की। इसमें हम पहला अपना शगुन का 500 रुपया डाल रहे हैं, जल्दी से भरियो, अब जल्दी से ड्रोन लेना है, बड़ी भारी भरकम है। तो करीब 500 रुपये मैंने इसमें डाल दिए हैं, अब धीरे धीरे इसको भरेंगे, डेली कुछ ना कुछ डालेंगे, 100, 50, 10, 20 जो भी बचेगा अपने पास, तो वो सब इसके अंदर डालते रहेंगे और उम्मीद है जल्द ही ये भरेगी और हमारा ड्रोन आ जाएगा। और अभी आगे जो है मैं बनाने जा रहा हूँ बिरयानी, तो अगर आप वेजिटेरियन हो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो आगे की, नहीं तो अगर आपको देखना है लाजवाब बिरयानी तो देखते रहो आगे, और अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना। तो ये हमारी जो है अभी प्याज भुन रही है और ये फ्राइड अनियंस हमने रेडी कर लिए हैं। ये हमारे चावल जो है भिगो दिए हैं, इसके अंदर ऑयल डाल दिया है और खड़े मसाले डाले हैं। तो अपनी बिरयानी जो है रेडी हो चुकी है, बस इसको दम लगाना है 10 मिनट और फिर ये रेडी। पूरी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में बताओ, किसी और वीडियो में पूरा बना के दिखाएंगे। कैसी है? गजब गंजब। अब मैं भी खाता हूँ, खाने के बाद फिर बात करेंगे।
तो मैम वैक्सीन लगवाने जा रही हैं, इन्होंने स्पेशल ड्रेस बनवाई है वैक्सीन लगवाने के लिए, यहाँ से सीधा वैक्सीन लग जाएगी इनके। तो वैक्सीन लगवा के आते हैं फटाफट, पास में ही है, घर के पास लग रही है और खाली है सेंटर एकदम। चले खाली होता है वो हमेशा यार, पहले गए थे तब भी खाली था ना, सेकेंड डोज लग रही है सेकेंड डोज। चलो तो हमारे को सेकंड डोज लग चुकी है, वेट कर रहे हैं। पिछली बार तो नहीं तो बिठाया था क्योंकि हम लास्ट टू थे ना, टेन हो गए थे हमारे जाते। नहीं बिठाया था भी। अरे मतलब बाद में नहीं बिठाया था। मैं बैठी थी, मुझे पता है। वो वैक्सीन लगने के बाद। हाँ नहीं, पिछली बार नहीं बिठाया था। वैक्सीन लगने के बाद नहीं बिठाया था। तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और न्यू इट क्या? हां न्यू इट। अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। अभी तो फिर बोलोगे ये फिर से शीशे के सामने कर रही है। मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला नहीं बोला। पूरे रेडियो के कैमरा ऑन कर दो फिर कहते हैं शीशे का। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, तो तू खुद ही बोल रही है। देखो तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं सूर्यवंशी देखने। 2 साल बाद मूवी देख रहा हूँ मैं सिनेमा हॉल में। 2 साल बाद नहीं, 1 साल बाद मूवी देख रहा हूँ सिनेमा हॉल में, क्योंकि हमने लॉकडाउन के बाद पिछले साल जब 2020 में लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने काफी मूवीज देखी हैं साथ में। तो 1 साल बाद मूवी देख रहा हूँ और जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है मेरा काम क्या है, मैं मूवी रिव्यू वगैरह करता था पहले। मेरी वेबसाइट है filmigade.com, तो मैं बहुत मूवीज देखता था एक ज़माने में और अभी सब बंद हो गया था कोरोना के बाद। तो अभी चलते हैं सूर्यवंशी देखने, देखते हैं कैसी मूवी है। रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, दमदार है, तो मूवी देखेंगे अगर ये मैडम टाइम पे तैयार हो जाए तो। टाइम पे हो रही हूँ ना, बस बारिश होने चलते हैं। और वहाँ पे तो मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ पर कैमरा तो ले जाना अलाउड नहीं है, तो अगर मैं कुछ व्लॉग करूँगा तो फ़ोन से करूँगा। चलते हैं। तो मॉल हम पहुँच चुके हैं, अब ये वाला हेलमेट तो मैंने टैंक में लगा दिया है और ये वाला ऐसे ही छोड़ दिया। अब देखते हैं ये चोरी होता है या नहीं होता, क्योंकि हमारे पास लॉक नहीं है। चले मैडम। तो जल्दी पहुंच गए। तो क्या हो गया, घूम लेना मॉल। यहाँ भी मिरर। ये गाना नहीं डालना था, ये गाना नहीं डालना चाहिए था। कैसी लगी मूवी? मूवी मस्त, थोड़ा डम बनी थी एंड में। हाँ, एंड में वो टाइम लगा के फुस्सी कर दिया। अच्छी मूवी है, एंटरटेनिंग है, थोड़ी सी डम है लेकिन बाकी ठीक है सर। चलते हैं हम घर, काफ़ी लेट हो गया, 10:30 बज गए। तो ये घड़ी अपनी एवेंजर और हेलमेट भी लग रहा है, बच गया, गायब नहीं हुआ। ओ भाई खोला तो है किसी ने, लॉक करके गया था, मैंने ऐसे लॉक कर दिया था हैंडल पे। हाँ। इसे निकाल के वापस रखा है। तो गाइस रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग घर भी आ चुके हैं। अभी जो है बहुत जोर से नींद आ रही है, सुबह भी जाना है कहीं अर्ली मॉर्निंग, तो जल्दी उठना पड़ेगा, तो इसलिए अभी सोते हैं। बाय बाय, गुड नाइट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो भी लाइक और शेयर जरूर करना। बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और करेंगे धमाल कमाल। बाय बाय।